अस्सलाम वालेकुम साथियों, मुर्ग छोले की रेसिपी लेकर हाजिर हैं जो कि हमने आपको 2 मिनट में देनी है। मुश्किल काम। सबसे पहले तो हमने चने उबाल लिए हैं नमक डाल के, जो कि हमने ओवरनाइट सोक किए हुए थे। फिर हमने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस जो हैं एक प्रेशर कुकर में स्लाइस किए हैं, 1/2 कप ऑयल में उनको गुलाबी किया है और उसमें हैंडफुल गार्लिक डालकर और 1 कप पानी डालकर उनको प्रेशर दे दिया है। दूसरी तरफ हमने 2 इंचज़ की जिंजर ली है, इसको हमने कूट लिया है और फिर एक पैन में हमने 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून होल कोरिएंडर जो है उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है और फिर उसको हाथ से ही कूट लेना है मोटा मोटा। एक कटोरी में अब हम मसाला जात निकालते हैं। 1 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून फुल क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून फुल क्रश चिलीज, 3-4 बे लीव्स, 1 टीस्पून फुल चिली पाउडर और 1/3 टीस्पून टर्मरिक, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है वो चनों में भी मौजूद है, 1/2 टीस्पून फुल पेपरिका और 1 पिंच सिट्रिक एसिड की यानी कि टार्टरी की, 1/2 टीस्पून फुल पिसा हुआ गरम मसाला, 1 हमने हबानेरो लेनी है और जिंजर के साथ ही उसे कूट लेना है, ना हो तो हरी मिर्चें भी डाली जा सकती हैं। प्रेशर कुकर जो है उसको खोल लेना है और उसमें हमने अदरक और मिर्चें डालकर उसे भून लेना है। साथ ही सारे मसाला जात जो हैं वो हमने उसमें ऐड कर देने हैं। चिकन ऐड कर देनी है जो कि 1/4 किलो की है, भून लेना है और ढक देना है, प्रेशर नहीं देना है, काहे काहे खोलकर देखते रहें। गलने पर आपने इसमें 2.5 कप जो हैं उबले हुए चने डाल देने हैं और चनों के ही जूसेस जो हैं, जो उसमें पानी है उबले हुए चनों का पानी, वो इसमें सालन बनाने के लिए डालना है, जितना भी आपको चाहिए हो। पकने दें यहाँ तक कि ये आपको मिल्की दिखाई देने लगे। क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर जो आपने रोस्ट करके क्रश किए थे वो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। आंच बंद करने के बाद ढक दें तो असल रंग जो है वो आपको इस सालन का दिखाई देने लगेगा। उबले हुए अंडों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।